पक्ष के जन सुनवाई कक्ष में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह रोज की तरह जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक दिव्यांग जन के आने की सूचना जिलाधिकारी श्री सिंह को मिलती है, तो वह तत्काल उन्हें ससम्मान अपने कक्ष में बुलाते हैं तथा आने का कारण पूछते हैं। तब हरपालपुर निवासी दिव्यांग कमलेश कुमार पाठक ने जिलाधिकारी श्री सिंह के सामने अपनी समस्याओं का पिटारा खोला, तो जिलाधिकारी की संवेदनशीलता जवाब दे गई। उसके बाद श्री सिंह का एक्शन शुरू होता है। जिलाधिकारी श्री सिंह वर्चुअल की जिम्मेदारियों की क्लास लगानी शुरू कर देते हैं। दिव्यांग श्री कुमार आंखों से देख नहीं सकते और लकड़ी के सहारे चलते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से कलेक्ट्रेट में हुई उनकी मुलाकात उनके जीवन में एक नया बदलाव साबित हुई। कमलेश ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि उनके पास कोई घर नहीं है, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सोते हैं तथा मांग कर खाते हैं। जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी स्वयाजपुर व खंड विकास अधिकारी हरपालपुर से वर्चुअल माध्यम से बात की। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि मामले की जांच की जाए तथा यदि कमलेश के पास कोई भी भूमि नहीं है तो उसे आवास पट्टा व कृषि पट्टा देने की कार्यवाही की जाए। पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना से उनको लाभान्वित किया जाएगा, उनको राशन कार्ड दिलवाया जाए। दिव्यांग कमलेश ने बताया कि उनको दिव्यांग पेंशन प्राप्त हो रही है। उन्होंने अपना दिव्यांग कार्ड दिखाया। जिलाधिकारी से मिलकर कमलेश इतना भावुक हो गए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। जिलाधिकारी श्री सिंह द्वारा दिव्यांगजन कमलेश कुमार के लिए तत्काल मुहैया करा गई सुविधाओं के लिए उनकी संवेदनशीलता की सराहना की जा रही है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।